हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और मैं आप लोगों के साथ आज लंच का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ और आज मैं खाने में बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आगे के वीडियो में मेरे कंटिन्यू बने रहें फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल बनाने के लिए गैस पर चढ़ा देती हूँ और मैं मसूर दाल प्लस अरहर दाल मिक्स करके बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं दाल को धो करके डाल देती हूँ। उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर उसमें थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ, ताकि जब कुकर में सीटी लगे तो दाल के छींटे कुकर के लिड में ना लगे। तो इस तरह से आप कोई भी ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने आंगन में और यहाँ पर मैं पालक साग चुन रही हूँ। मैंने सोचा कि धूप में बैठकर साग भी चुन लूँगी और मैं धूप भी सेक लूँगी। और मेरे आंगन में बहुत अच्छी धूप आती है, साथ ही मैं यहाँ पर तनु क्लास कर रही है। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी वॉश करने थे, तो आप देख सक रहे हैं यहाँ मेरे आंगन में बहुत सारे कपड़े हमने सूखने के लिए दे दिया है। जब तक मैं उधर साग चुन करके आई धो करके, उसके बाद यहाँ पर मैं मेरी दाल भी बन गई है। तो दाल को यहाँ पर इस बर्तन में डाल करके कुकर हमने खाली कर दिया है, क्योंकि कुकर में आज मैं केले को यहाँ पर बॉईल कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे केले के कोफ्ते बनाने हैं। तो यहाँ पे केले को हमने यहाँ पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम पालक को कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ केले का कोफ्ता और खीरे की रायता। तो खीरा और दही का रायता जो होता है उसे मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे खीरा को जो होता है कद्दूकस कर लिया है और प्याज कटिंग करेंगे हम केले का कोफ्ते के लिए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल बनाती हूँ जब मैं रेसिपी, तो उसमें अदरक लहसुन का तो पेस्ट लगता ही है। इसलिए मैं उसे फ्रीजर में रख देती हूँ ग्राइंड करके 8-10 दिन के लिए, तो वो चल जाता है। और साग बनने के लिए यहाँ पे हम लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है। और साग हमारा यहाँ पे जब थोड़ा सा गर्म होता है तो उसमें हम नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही छोड़ता है। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे थोड़ा कम रखे हैं, हाई फ्लेम पे नहीं रखे हैं। और इधर हमारा केला जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। उसे एक मैशर की मदद से यहाँ पे हम मैशर कर लेते हैं। उसके बाद उसमें डाल देते हैं बेसन और मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और थोड़ा सा MDH का गरम मसाला मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। जब केला और बेसन का पकौड़ा बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब राउंड शेप देंगे तो इसे हाथ में ऑयल थोड़ा सा लगा के इसे शेप देंगे, ताकि ये हाथ में चिपके ना। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर को एक बारीक कटिंग कर लेती हूँ और यहाँ पे दही को भी हमने फेंट लिया है और उसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा को डाल देना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद तड़का लगा देते हैं यहाँ पे हम जीरा और सूखी मिर्च से दाल, और उसमें जब रायते में तड़का लगता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप ज़रूर घर पे एक बार ट्राई करें। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डाल देंगे, और थोड़ा सादा नमक डाल देंगे, यानी कि नॉर्मल नमक जो होता है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रायता बन करके तैयार हो गया है। तब तक हमारा इधर साग भी बन चुका है। अब इसे हम अच्छे से प्रेस करके साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साग को हम यहाँ पे निकाल दिए हैं एक प्लेट में। और यहाँ पकौड़ों के लिए हम यहाँ पे तेल डाल दिए हैं ऑयल, और जब हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे हमारा तेल
बढ़िया से गर्म हो गया है। और जब भी आप पकोड़ा बनाएं यानी कि कोफ्ता तो केले का, तो थोड़ा सा धीमा आँच में बनाएं ताकि वो अंदर तक पक सके अच्छे से। और इस तरह से आप धीरे धीरे इसको पलट पलट करके इसे पकाएं ताकि ये टूटे ना। तो इस तरह गोल्डन ब्राउन हमारा पक चुका है, हो चुका है। अब इसे हम मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे जीरा, सूखी मिर्च का हरी मिर्च और बारीक कटिंग किया हुआ प्याज को डाले हैं। तो आप चाहें तो सारे चीज़ों को पेस्ट बना करके, प्याज को भी पेस्ट बना करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो और साथ ही मैं यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बारीक कटिंग किया हुआ टमाटर, ताकि टमाटर जब तक थोड़ा इसमें सॉफ्ट होगा तो इधर मसाला भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। और साथ ही में डाल देते हैं नमक, और नमक और सारे चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से तेल पक ना जाए और इसके मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तेल छोड़ने लगा है हमारा मसाला। तो इस स्टेज में हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे का लगभग इसे 5 से 7 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अब पानी। और पानी आप ग्रेवी कितना रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत है मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कोफ्ता केला का, और डालने के बाद इसे जस्ट 5 मिनट पकने देना है, उसके बाद इसे उतार देना है। तो यहाँ पे हम हरे धनिए से यहाँ पे इसे गार्निश कर देते हैं। तो देखिए हमारा केला का कोफ्ता कितना आसानी से और कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और इधर मैं चटनी तैयार बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, और उधर मैं यहाँ तवा चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे हरे धनिया का और थोड़ा सा अचार का मसाला डाला है ताकि ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगे। और लहसुन की कलियाँ हमने 2-4 डाला था। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से फूली फूली रोटियाँ हमारी बन रही है। तो हमारा जो है दोपहर का लंच यहाँ पे रेडी हो गया है। जिनको जिनको भूख लगा है आकर के मेरे यहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। बस इस तरह आप अपना घर में बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो दोपहर का लंच का थाली है यहाँ पे तैयार हो रहा है, और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और सच आपको बता देती हूँ कि केला का कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मेरा तारीफ हुआ मेरे हस्बैंड से, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी सुन के। तो फ्रेंड्स इस तरह से केले का कोफ्ता आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का आपको मेरा लंच कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा लंच का रूटीन अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।